गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका दोस्त ईशारंग एक नई कहानी के साथ। कहानी कुछ ऐसी जो दिल के करीब हो और कुछ संदेश दे जाए। किसी के संघर्ष की कहानी और किसी के विजेता बनने की कहानी। ऐसी कहानियां मैं हर रविवार को किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के ऊपर या स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेकर आता हूँ। एक पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज ये कहावत में बहुत बदलाव हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेलोगे कूदोगे कर कर और नवाब बन चुके हैं, यानी बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर चुके हैं। ऐसा इनकम का आंकड़ा उन्होंने लिया है, मतलब प्राप्त किया है। आप ये लगाओ कि शायद वो सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी अमाउंट में उनको इनकम हुई है। लेकिन फिर भी आज भी ऐसी बहुत सी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं जिनको बिल्कुल भी ना तो फेम मिला ना ही धन ही प्राप्त हुआ, और उनकी स्ट्रगल यूं ही चलती आ रही है। ऐसी एक कहानी के बारे में आज मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट संडे भी मैंने किसी एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के ऊपर कहानी सुनाने की बजाय कुछ ये निवेदन किया था सब लोगों से कि किस तरह से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को अपना मेडल जीतने के बाद भी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए और भी बहुत सारी चीजें। तो ऐसी ही एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है और ऐसा ही एक स्पोर्ट्स है। मैं शुरू करूंगा कहानी मजनू का टीला के सामने। मजनू का टीला गुरुद्वारे के सामने एक छोटा सा पार्क है, और पार्क में नेट लगाकर कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे थे, और खेल का नाम था सेपक टेक टकरा। हाँ जी, सेपक टकरा एक ऐसा गेम है जिसको ओलंपिक और एशिया गेम्स में भी जगह मिल चुकी है, और कई वर्षों से कई गेम्स ऐसे निकले हैं जिसमें सेपक टकरा को शामिल किया गया है। इस वर्ष भी सेपक टकरा ओलंपिक गेम्स में खेला गया था, और सेपक टकरा खेल खेला जो जाता है वो नेट लगाकर, और आप ये लगाएं कि वो वॉलीबॉल जो गेम होता है उसी गेम का एक रूप है जिसमें गेंद को हाथों से टच नहीं किया जाता, केवल सिर छाती या टांगों से पैरों से उस गेंद को मारा जाता है और नेट को क्रॉस करवाया जाता है। 5 या 7 लोगों की एक टीम रहती है और दोनों तरफ, और ये गेम खेला जाता है बड़ी ही अच्छी तरह से। और इस गेम के लिए चुस्ती फुर्ती अन्य किसी भी खेल के अपेक्षा बहुत अधिक चाहिए होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गेम में एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, फुटबॉल इन सब का सम्मिश्रण होता है। और इसी गेम को खेल रहे थे कुछ बच्चे मजनू का टीला गुरुद्वारे के सामने पार्क में, और वो रोज इस गेम को खेलते थे सुबह, और तब तक खेलते थे जब तक धूप नहीं आ जाती थी मैदान में। ऐसे ही जब वो गेम खेल रहे थे तो वहां पर इसी खेल के एक कोच वहां से जब निकले, उन्होंने ये गेम खेलते हुए बच्चों को देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने ये सोचा कि आज से मैं इन बच्चों को सपोर्ट करूंगा, और उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। उन कोच का नाम है हेमराज जी। हाँ जी, हेमराज जी जब मजनू का टीला गुरुद्वारा गए तो वहां पर उन्होंने ये खेल खेलते हुए देखा और उन बच्चों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर एक समय ऐसा आया जब दिल्ली सरकार ने पार्कों में खेल खेलने से मना कर दिया। ऐसा एक रूल बना था, दिल्ली के लोग सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि खेलना पार्कों में मना कर दिया गया था। तो इन बच्चों को वो खेल खेलने के लिए सरोजनी नगर जाना पड़ता था, और इन्हीं में एक स्टूडेंट था हरीश। वो हरीश भी ये गेम बहुत अच्छी तरह से खेलता था, अरुणा विहार का रहने वाला, और उसको सरोजनी नगर जाना पड़ता था 1 घंटा का ट्रेवल करने के बाद बस से, और वो इतने अधिक प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे क्योंकि सारा का सारा टाइम ट्रेवलिंग में बीत जाता था।
और 2018 में ये गेम में इंडियन सेपक टकरा गेम में इंडियन टीम ने मेडल्स भी लिए। और उसी गेम में हरीश नाम के इस खिलाड़ी के, जो दिल्ली में रहता है, उसके घुटने में चोट लगी और उसके बाद से वो उसका खेलना बंद हो गया। अब हरीश की अगर मैं कहानी की बात करूं कि हरीश की कहानी में कितना स्ट्रगल है, उसके पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं और ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और आज भी चाय की दुकान पर हरीश बैठता है और उसके पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं। और ये तस्वीर, ये न्यूज़ कई बार वायरल भी हो चुकी है कि ओलंपिक एशियन मेडल विजेता को चाय बेचनी पड़ रही है। बिल्कुल। और पेंडेमिक के दौरान उन्होंने कितना बड़ा स्ट्रगल देखा है, क्योंकि सभी काम बिजनेस बंद हो चुके थे, ऑटो ड्राइविंग का भी और चाय की दुकानों का भी बिजनेस बंद हो चुका था। किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल में लाइफ गुजारी। और दिल्ली सरकार ने भी हरीश को कई बार ये सांत्वना दी कि दिल्ली सरकार में तुम्हें नौकरी दी जाएगी, पर आज तक ऐसा भी नहीं हुआ। और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर, और हरीश के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और है, उसके दो तीन छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स, अपंग है, और वो सभी इन पिता पुत्र की जीविका पर निर्भर है। इन पिता पुत्र से जो भी इनकम होती है, उसी से ही पूरे परिवार का खर्चा चलता है। और ऐसी एक कहानी नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, जबकि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ने अपने मेहनत से उस मुकाम को पाया है जिस मुकाम के लिए लोग तरसते हैं, और फिर भी उनको वो मुकाम तो मिल गया, मेडल तो मिल गया, लेकिन जीवन से उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। और मैंने पिछले सप्ताह भी एक निवेदन किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे ये कहानियां सुनते हैं, मेरी कहानी जिन लोगों तक तो पहुंचती है, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरह से सेटल हैं, जिनके पास धन की कोई समस्या नहीं है। जिस तरह से अक्षय कुमार ने एक पोर्टल बनाकर देश के शहीद सैनिकों के लिए काम किया, उन तक चैरिटी पहुंचाई, क्या हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि उन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज तक भी ये सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, किस तरह से उनके रोजगार में कुछ हेल्प हो सके, कुछ मदद की जा सके। तो बस इसी निवेदन के साथ आज की कहानी मैं यहीं तक खत्म करूंगा। और बहुत कुछ है हरीश के बताने, हरीश जी के बारे में बताने के लिए। 24 वर्ष का हरीश आज भी चाय की दुकान पर बैठा होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कहीं से वो फोटो मिल जाती है, तो इस स्टोरी के कवर पेज पर उस फोटो को जरूर लगाऊंगा। तो आज की कहानी यहीं तक, कल फिर मिलते हैं इसी लिंक, इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।